नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। कर्नाटक, हिंदू युवती का यौन शोषण कर जबरन धर्मांतरण की कोशिश, 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। MCD चुनाव, OVC की पार्टी ने 15 मुस्लिम बहुल वार्डों में उतारे प्रत्याशी। तेलंगाना, BJP के प्रजा संग्राम यात्रा को मिली हाईकोर्ट से मंजूरी। दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और केस, बाप की हत्या कर फ्रिज में रखी बॉडी, माँ बेटे फेंकते रहते थे टुकड़े। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में होटल पर आतंकी हमला, 4 की मौत। दिल्ली लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में जूते चप्पल की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 9 गाड़ियां पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी कल उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन करेंगे। गुजरात, प्रत्याशी को छोड़कर मोदी के नाम पर वोट क्यों मांग रही है BJP, कांग्रेस चीफ खड़गे का सवाल। श्रद्धा हत्याकांड, आफ्ताब का FSL रोहिणी में चल रहा पॉलीग्राफी टेस्ट। छत्तीसगढ़ उपचुनाव में BJP प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेता को अरेस्ट करने कांकेर पहुंची झारखंड पुलिस। इब्राहिम अली खान के डेब्यू मूवी में अहम रोल में होंगी काजोल, दमदार किरदार में आएंगी नजर। चीन में भारत विरोध प्रदर्शन के बीच दर्ज किए 40,000 नए कोविड केस। कैटरीना कैफ से सीखे साड़ी में कैसे दे पोज, ब्लू साड़ी में दिखा दिलकश अंदाज। आदित्य धर के लिए कोशुर कुर है यामी गौतम, पत्नी के बर्थडे पर डायरेक्टर ने खूबसूरत अंदाज में किया विश। पश्चिम बंगाल हुगली में आधी रात को कूड़े के पहाड़ में लगी आग, कई लोग अस्पताल में भर्ती। लखनऊ मदरसों में पढ़ने वाले 1 से 8 क्लास के बच्चों की छात्रवृत्ति बंद। अफसरों कारोबारियों को मुर्गा बनाकर पीट रही EDIT की टीम, छत्तीसगढ़ के CM का ट्वीट। भारत जोड़ो यात्रा के बीच आज राहुल गांधी इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ में पिता ने बेटी के शादी के दिन लगा ली फांसी, परिजन बोले कर से परेशान थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। पाकिस्तान, इमरान की पार्टी के सीनेटर आजम स्वाति गिरफ्तार, सेना के खिलाफ ट्वीट करने का है आरोप। केरल में विंजीजन थाने पर प्रदर्शनकारियों का हमला, 19 पुलिसकर्मी घायल। मलाइका अरोरा ने जालीदार ड्रेस में बिखेरा हुस्न का जलवा, सिजलिंग लुक पर ठहरी फैंस की निगाहें। ज्ञानव्यापी ASI सर्वे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, 2 हफ्ते बाद फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में आज 4 जगहों पर होगी चुनावी जनसभा। KP एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए KP News 24x7। धन्यवाद।